हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी आलू से बना हुआ बहुत ही डिलीशियस नाश्ता रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और इतना हेल्दी भी है कि ये सूजी से बना हुआ है, आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत कम मसालों में बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी, आप इसको बच्चों को टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ईजी बनने वाला ये नाश्ता रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको बता से मिल जाए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो के बिना स्किप के पूरा वॉच करना, जिससे कुछ भी मिस ना हो। आप रेसिपी बनाए तो परफेक्ट ही बने। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी सूजी नाश्ता रेसिपी अपलोड है, आप विजिट करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने फ्रेंड्स, मैंने पौन कप मेजर करके फाइन सूजी ली है, उसे छान कर लिया है। आपकी सूजी ज़्यादा मोटी हो तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बॉयल करने के बाद छिलका हटाकर इसको ऐसे मैश कर लिया, हैंड से ही मैश किया है। फ्रेंड्स, आपको ग्रेट करने की जरूरत नहीं, आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप किया है, और 1/2 कटोरी दही लिया है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खट्टे दही का भी यूज आपको नहीं करना है, ये थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना राई के दाने लिए हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा, आप इनो सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं, 2 हरी मिर्च जिसे बर्ड्स में कट कर लिए, थोड़े से करी पत्ता, 4 मसाला लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, इससे चटपटा फ्लेवर आया क्योंकि और बहुत ज़्यादा मसालों का यूज हम नहीं करेंगे, 1/4 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, आप मोटी कुटी वाली ना हो तो आप फाइन वाली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार ही रखें। ये मैंने किचन किंग मसाला लिया, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप विजिट करके देख सकते हैं। 1 टीस्पून लिया है, इसका यूज करें तो और ज़्यादा मसालों का यूज हम नहीं करेंगे, सारे फ्लेवर हैं इस मसाले में, और बस मैंने चटपटे फ्लेवर के लिए इसीलिए 4 मसाले का यूज़ किया है, और सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हैं। अब बाउल में हम सूजी को डाल लेंगे, उसके बाद दही को ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से ही हम पानी को ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। ये देखिए, मैंने 3 टेबल स्पून जितना पानी लिया है, और फिर वैसे भी पहले हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो इसको गाढ़ा घोल बना कर ही रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी देख कर इसमें पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको आधा घंटा के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे कवर करके, जिससे सूजी अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। गैस को ऑन की कढ़ाई को रख लिया मैंने, 3 टीस्पून जितना उसमें ऑयल डाला, किसी भी ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, गैस फ्लेम को हाई रखा है, ऑयल गर्म होते ही उसमें मैंने राई के दानों को डाल दिया है, हरी मिर्च और करी पत्ता को डाल दिया है, प्याज को भी डाल दिया है, गैस फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने। अब इसको थोड़ी देर हम सौते करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है क्योंकि थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। अब आलू के मिक्सचर को डाल दिया है, हल्दी पाउडर को डाल देंगे। फिर हल्दी पाउडर का यूज़ कलर के लिए कर रहे हैं, आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। किचन किंग मसाला को डाल देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। फिर आप देख सकते हैं, इस मसाले से आप बहुत सारी सब्जी दाल बना सकते हैं, इसी एक मसाले से। चाट मसाला को डाल देंगे, चिली फ्लेक्स को डाल देंगे। फिर इस मसाले का यूज़ किया इसलिए मैंने देखा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया, सिर्फ तीखे के लिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का, और चटपटे के लिए चाट फ्लेवर का यूज मसाले का यूज़ किया है। आप लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं अगर चाट मसाला ना हो, या आमचूर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट डाला है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ नहीं करें क्योंकि अभी हम सूजी के बटर में भी डालेंगे नमक को। अब इसको थोड़ा देर हम अच्छे से भून लेंगे मिक्स करते हुए। देखिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, आलू मसाला बनकर हमारा तैयार, इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सेट हो गया है सूजी का बैटर हमारा, आधा घंटा बाद ही मैंने इसे खोला। इसमें मैंने नमक को डाल दिया है 1/2 टीस्पून जितना, बेकिंग सोडा को डाल देंगे, और देखिए इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, एक छोटी कटोरी से 1/2 कटोरी जितना, जिससे हमारा बेकिंग सोडा भी एक्टिवेट हो जाए, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ी इसकी थिकनेस भी बैलेंस हो जाए, बट एक साथ नहीं डालेंगे जिससे बहुत ज़्यादा पतला ना हो। ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, पोरिंग ही रखनी है बट बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखनी है। अब मैंने फिर से उसी कढ़ाई को रख लिया, गैस फ्लेम को मीडियम रखा है, उसमें मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है, आप पैन का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट प्रोसेस यही करना है आपको, भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और कढ़ाई के गर्म होते ही, मीडियम गर्म ही चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है आपको। अब उसमें मैंने एक
टेबल स्पून भर के बैटर को डालकर हल्के हाथों से फैला दिया है। अब इसको कवर कर देंगे, गैस फ्लेम को लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए मैंने आलू मसाला लिया है और लेमन साइज मैंने इसका रखा है। बहुत ज़्यादा बैटर को आपको नहीं लेना और इसको बहुत ही पतला ऐसे टिक्की शेप में बना लेना है, बट बहुत पतला ही लेना है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मोटा मसाला, आलू का मसाला ना रखें, उसको पतला करके ही रखें, जिससे हम ऊपर से भी बैटर को डालेंगे नहीं तो बीच में बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, तो आपका दूसरे साइड ये नाश्ता कुक नहीं होगा। इसीलिए मैं अच्छे से मेंशन कर रही हूँ कि आपको पतला ही आलू मसाला रखना है और इसके ऊपर से हम फिर बैटर को डाल देंगे और कवर कर देंगे, लो फ्लेम ही रखेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको फिर आपका आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए मैंने 4 मिनट बाद ही खोला है। अब थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे जिससे दूसरे साइड भी इसको टर्न करें तो ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए अब आसानी से उठाते हुए हम इसको दूसरे साइड ऐसे पलट देंगे और हल्के हाथों से हम इसको प्रेस कर देंगे और कवर कर देंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट और कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स मैंने बीच में इसे खोलकर स्पैटुला से थोड़ा दबाकर मैंने इसको सेका था। ये देखिए कितना अच्छा शिकर तैयार हो गया। मैंने उसे निकाल लिया है प्लेट पे। ऐसे ही हम दूसरा सेम प्रोसेस से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने पहले कढ़ाई को ग्रीस कर लिया था, फिर मैंने बटर को डाला था। अब इसको भी कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही हम इसको। ये देखिए मैंने 3 मिनट बाद ही खोला है। अब इसमें भी हम आलू मसाला को रख देंगे। फिर से मैंने ऑनियंस रिंग्स लिए हैं, आप इसको नहीं करना चाहते तो ओनली आलू मसाला ही रखें, बट मैं कुछ नया तरीका आपको बता रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। इससे ऑनियन रिंग्स आप रख देंगे इसके ऊपर से फिर डाल देंगे, जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही क्रंची क्रंची फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये नाश्ता खाने में। कवर कर देंगे, 3 से 4 मिनट कुक होने देंगे। ये देखिए मैंने 4 मिनट बाद ही खोला है और इसको फिर उठाकर हल्के हाथों से पलट देंगे। फिर से आप ये जो साइड में आ गया इसका माइंड ना करें, इसको आप अच्छे से सेट कर सकते हैं फिर से आप स्पैटुला से। ये देखिए मैंने भी सेट कर दिया कवर करके, मैंने 3 से 4 मिनट बाद ही इसको खोला है। ये देखिए आपको कहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा बटन नहीं, वो मैंने साइड में जो आ गया था उसको स्पैटुला से ही सेट कर दिया था और मैंने 2 बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इनको कट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनका अंदर का टेक्सचर है। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस दोनों हैं। फ्रेंड्स किसी को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बड़ों को, क्योंकि सूजी से बना है नाश्ता और देख सकते हैं कितना ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर का। आप इसको बच्चों को झटपट बनाकर आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, बस आप आलू मसाला रेडी करिए और फटाफट घोल को पहले से भी आप रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं, सेट हो जाएगा, बट आप उसमें तुरंत बेकिंग सोडा को ऐड करके आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये सूजी आलू नाश्ता पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर और भी नाश्ता रेसिपी अपलोड है, सूजी से बने हुए नाश्ता रेसिपी अपलोड हैं, आप जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और बनाकर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आप सभी को लगता है कि 7 से 8 मिनट का वीडियो पर बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।